पिछले सत्र में जब हम बच्चों के साथ असेंबली में और अलग अलग समूह में जब बात कर रहे थे, कुछ इश्यूज आ रहे थे कि बच्चों के लाइब्रेरी के यूज़ को लेके, मिड डे मील में क्या व्यवस्था हो, बच्चों की जो खेल सामग्री है, स्पोर्ट्स का मटेरियल है, उसको कैसे उसका रखरखाव किया जाए, तो इन सारी इश्यूज़ को जब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे तो हमें लगा कि भाई ये जो पूरा मसला है उसमें स्कूल में बच्चों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है और टीचर्स की संख्या कम होती है तुलनात्मक रूप से। तो हम एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम लोग उस पूरे व्यवस्था को मैनेज करने में लगे रहें और बच्चे जब यूज़ करेंगे तो बिगड़ेंगी, व्यवस्था तो बिगड़ेंगी, वो व्यवस्था तो थोड़ी डिस्टर्ब होगी, तो क्यों ना बच्चों को इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जाए। और इन्वॉल्व करने के पीछे जो मकसद हमारा था वो ये था कि बच्चे अपने स्कूल के प्रति एक ऑनरशिप महसूस करें कि भाई हमारा स्कूल है, हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो भी प्रक्रियाएं स्कूल में चल रही हैं, जो भी सामग्री है इस्तेमाल की, वो हमारी सामग्री है, उसको ठीक से रखेंगे तो हम उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक उसका यूज़ कर पाएंगे। तो चीज़ों के प्रति सेंसिटिव बच्चों को बनाना और स्कूल के पूरे संचालन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करना और उनमें धीरे धीरे उस तरह की ओनरशिप, स्वामित्व का भाव पैदा करना, इसके पीछे मूल उद्देश्य हमारा ये था। और इसको हमने बच्चों के साथ मिलकर इन सारे इश्यूज़ पे बात की और जब बातचीत करते हुए समझ में आया कि कितने सारे एरियाज़ हैं हमारे यहाँ काम करने के, तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया। तो उन एरियाज़ में सबसे पहले हमने देखा कि मिड डे मील रोज़ होता है, वो मिड डे मील किस सप्लाई की क्या व्यवस्था हो, बच्चे कैसे मिलकर उस व्यवस्था में इन्वॉल्व हों, तो एक मिड डे मील का एरिया निकल के आया। स्पोर्ट्स की जो भी सामग्री थी उसमें लगता था कि जाके देखते हैं कि वो फैली पड़ी हुई है, जिन बच्चों को मिल गई वो यूज़ कर रहे हैं, कभी गेंद गायब हो गई, कभी रैकेट गायब हो गए, टूट गए, तो उसे लगा कि भाई एक ही एरिया है जिसपे हम बच्चों को इस इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बाल अखबार निकालते थे पिछले जुलाई से, तो बाल अखबार में भी एक जिम्मेवार समूह का को तय किया जाए कि ये बच्चे सभी बच्चों के साथ में जो कॉलम हमने निर्धारित किए हैं उन कॉलम्स में जो सामग्री है वो जुटाएं और फिर मिलजुल कर इस बाल अखबार को का संपादन करें। और इसी तरह से सुरक्षा एवं सलाहकार समिति के विवश में आते हैं जाते हैं, लंच में बच्चे खेलते हैं तो उस समय कोई लोग हों जो थोड़ा सुरक्षा के इश्यूज़ को मॉनिटर करें, देखें कि क्या स्थितियाँ हैं और उन पर बच्चों के साथ लगातार संवाद करें। इसी तरह से लाइब्रेरी का एक समूह हमारा गठित हुआ कि लाइब्रेरी में भी किताबों के रखरखाव को लेकर हमें लग रहा था कि किताबें फट रही हैं या बच्चे किताबें लेते नहीं हैं, तो लाइब्रेरी के प्रति बच्चों को कैसे अवेयर किया जाए, तो कुल मिला के हमने ये इस तरह से 7 समूह बनाए, 7 एरियाज आइडेंटिफाई किए और फिर असेंबली में सब बच्चों के साथ में कैसे ये समूह बनेंगे उस पर बातचीत की। तो बच्चों ने बताया कि क्लास वाइज एक एक बच्चे को हम इसमें रख सकते हैं, बहुत बड़ी समिति भी को हैंडल करने में दिक्कत होती है कि वो एक साथ मिलकर बैठें, बात करें, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें, तो हमने क्लास वाइज जिम्मेवारी देने की बात की और क्लास वाइज बच्चे जिनका इंटरेस्ट है वो अपना नाम लिखाएं और वो मासिक अवधि में वो समितियां बदलती रहें। तो इस तरह से ये समितियों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और गए सत्र से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम हर माह इस समिति का गठन करते हैं और माह के अंत में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं तो हर समिति अपना रिव्यू प्रस्तुत करती है और जो भी चैलेंज उनके सामने आते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में नई समिति का गठन होता है। तो अभी जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे में इस माह के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं समिति वाइज वो लोग अपना रिव्यू प्रस्तुत करेंगे, चैलेंज प्रस्तुत करेंगे, जो इश्यूज प्रस्तुत, जो कंसर्न है वो प्रस्तुत करेंगे और उन पे थोड़ा संवाद होगा और उसके बाद में अगले माह के लिए समितियों का गठन होगा। तो कुल मिला के इन समितियों को हम इस तरह से देखते हैं और हमें लगता है कि ये जो प्रक्रिया है स्कूल में हम बच्चों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि बच्चे धीरे धीरे इन सारी प्रक्रियाओं में
इन्वॉल्व हो रहे हैं और रुचि ले रहे हैं और अच्छे से सारी व्यवस्थाओं को ठीक से संपादित किया जा सके उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इन समितियों में टीचर भी होता है, हर समिति में एक टीचर इन्वॉल्व होता है जो उस समिति के काम को फैसिलिटेट करता है और कहाँ क्या दिक्कत आ रही है उसमें बच्चों को उन पूरी प्रक्रियाओं में उनके साथ में संवाद में इन्वॉल्व होता है। तो इन समितियों का मोटे तौर पे तो कार्यभार यही है और ये बेहतर ढंग से अपने रोल को अदा अगर करती हैं तो स्कूल में जो एक स्कूल के पूरे संचालन में जिस तरह का एक स्मूथली जो प्रक्रियाएं चलती हैं उनमें बहुत बड़ी भूमिका बच्चों की होती है। बहुत ही बिना किसी दिक्कत के सारी प्रक्रियाएं अपने आप ऐसे लगता है कि भाई बहुत हर जगह एक अपने ढंग का अरेंजमेंट हो जो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं होती है कि पता नहीं मिड डे मील कैसे सर हो रहा होगा, बच्चों को किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। और इश्यूज भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही परफेक्ट हो गया, अभी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, हर बच्चा अपने रोल को समझता है फिर वो उसमें करने की कोशिश करता है फिर दूसरे समूह में चला जाता है। तो धीरे धीरे छोटे बच्चों को थोड़ी सी अभी दिक्कत है कि वो कभी कभी जब बच्चे बैठते हैं तैयारी करते हैं या अपना अपने जिम्मेवारियों को रिव्यू करते हैं तो तीसरी के बच्चे कई बार नहीं इन्वॉल्व होते हैं, पर धीरे धीरे जब वो उनको ओरिएंट करेंगे उनके साथ मिलकर वो भी उस प्रक्रिया में आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो और बेहतर ढंग से अपने रोल को निभा पाएंगे।